हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन आंसर ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फ्लाइट। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट फॉर टेंथ क्लास। देखिए, आज हम आपको टेंथ क्लास की एक किताब है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसका थर्ड लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम बता रहे हैं जो कि इस CBSE की टेक्स्ट बुक हमारी है उस पर आधारित हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? डू यू थिंक आ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स? देखिए, यानी छोटी समुद्री चिड़िया उड़ने से क्यों डरती थी? क्या आप जानते हैं कि सभी पक्षी, समुद्री चिड़िया पहली बार उड़ने से डरती है, या कुछ चिड़ियाएँ अन्य चिड़ियाओं के से डरपोक होती हैं? क्या मनुष्य के बच्चे भी पहला कदम बढ़ाने में डरते हैं? तो इसका आंसर हमारा देखिए, द यंग सीगल वाज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही स्केर्ड ऑफ फेलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। ही थॉट दैट वाइल फ्लाइंग हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। यस, इट इज नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ बिट चैलेंजिंग एंड स्केरी, एंड ऑल बर्ड्स मस्ट बी फियरफुल टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। सिमिलरली, अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो एफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप and find it challenging when he learned to crawl or stand up without any support। यानी युवा सीगल उड़ान भरने से डरता था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी, और वह गिरने और खुद को चोट पहुंचाने से डरता था। उसने सोचा कि उड़ते समय उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे या समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, यह स्वाभाविक है कि पहली बार कुछ करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण और डरावना होता है, और सभी पक्षियों को अपने पहली उड़ान बनाने के लिए भयभीत होना चाहिए। इसी तरह से एक मानव बच्चा भी पहला कदम उठाने से डरता है, और तब चुनौतीपूर्ण लगता है जब वह बिना किसी इशारे के रेंगना खड़ा होना सीखता है। दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द फूड मेडेड हिम, व्हाट डज इट सजेस्ट, व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? इस वाक्य में आप क्या समझते हैं? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फूड मेडेंड हिम, यानी किस चीज़ ने अंत में युवा पक्षी समुद्री चिड़िया को उड़ने के लिए बाध्य किया? तो इसका आंसर है, द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री एंड सो एंड ऑन नॉट बीइंग एबल टू गैदर करेज टू फ्लाई एंड एक्टिंग लाइक ए कावर्ड ही द यंग सीगल फैमिली लेफ्ट हिम अलोन। एज अ रिजल्ट ही वाज ड्रॉइंग सिंस ही कुड नॉट फ्लाई टू गेट हिज ऑन फूड। वेन ही सॉ हिज मदर कमिंग नियर हिम विद फिश ही गॉट एक्साइटेड एंड डाइव्ड स्ट्रेट टू एट द फिश फॉर फिश फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट दैट ही वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। दस ही गॉट सो मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड बिकॉज ही वॉज स्टार्विंग विच कंपेल्ड हिम टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप। यानी युवा शीगल बहुत भूखा था, और कायर की तरह उसने वो तरह उड़ने और अभिनय करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। युवा शीगल ने परिवार ने उसे शीगल के परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया। नतीजा यह निकला कि वह भूख से मर रहा था क्योंकि वह अपने भोजन को पाने के लिए उड़ नहीं सकता था। जब उसने अपनी माँ को मछली के पास आते देखा तो वह उत्तेजित हो गया और सीधे मछली पर कूद पड़ा। वह एक दिन के लिए भूल गया कि उड़ने से डरता है। इस प्रकार वह भोजन की दृष्टि से इतना पागल हो गया क्योंकि भूख से मर रहा था, उसने जिसे उसे अपनी पहली उड़ान लेने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर बैकिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली, व्हाई डिड द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल टू फ्लाई? यानी दे वर श्रिलिंग, यानी वे पीछे से उसे बुला रहे थे और चिल्ला रहे थे, तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो? समुद्री चिड़िया के माता पिता उसे डरा कर वह प्यार से उड़ने के लिए क्यों बहलाया?
Unlike his young siblings, the poor seagull could not gather enough courage to take his first flight. Thus, his parents taunted him for being a coward. They even threatened him to starve if he did not try, as they thought hunger would make him fly. Looking for his food, they did all of this because they wanted him to fly. उसने अपने छोटे भाई बहनों के विपरीत बेचारा सीगल अपनी पहली उड़ान भरने के लिए पर्याप्त साहस नहीं जुटा सका। इस प्रकार उसके माता पिता ने उसे डरपोक कहने के लिए ताना मारा, ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कोशिश ना की तो वह उसे भूखा रहने देंगे। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि वह उड़ान भरे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो CUST की टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित हैं। अब इसके कुछ हम एडिशनल क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि अतिरिक्त हैं, जो बोर्ड में आ सकती हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी जरा कर लें। Why was the young seagull afraid to fly? यानी छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था? तो आंसर देखिए इसका, Whenever the young seagull took a little run forward to extreme edge of the ledge and attempt, he flapped his wing. He became afraid and seeing the vast area of the sea, he thought his wings would not support him. जब भी युवा सीगल समुद्री पक्षी बढ़त की चरम सीमा पर थोड़ा आगे बढ़ा तो और उसके अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया तो वह डर गया और समुद्र के विशाल क्षेत्र को देख करके उसने सोचा कि उसके पंख कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली? समुद्री पक्षी ने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया? द यंग सीगल स्टेप्ड स्लोली आउट टू द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड द अदर लेग हिडन अंडर द विंग। ही क्लोज्ड वन ऑफ हिज आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी एस्लीप्ड बट दे लुक्ड नो नोटिस ऑफ हिम। युवा सीगल ने धीरे धीरे बढ़त की चरम सीमा तक कदम बढ़ाकर रखा। वह एक पैर पर खड़ा था, दूसरे पैर को अपने पंखों के पीछे छुपा लिया था। उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी और सो जाने का नाटक किया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम? यानी युवा समुद्री पक्षी खुशी से क्यों चिल्लाने लगा? द सीगल वॉज क्वाइट हंग्री एंड यर्न्ड फॉर फूड। When he saw a piece of fish in the beak of his mother, the sight was quite tempting and suddenly dived in at the fish, forgetting that he did not know how to fly and uttered a joyful scream, falling outward and downward into space. Seagull yani काफ़ी भूखा था और भोजन के लिए तरस रहा था, तब उसने अपनी माँ की चोंच में मछली का एक टुकड़ा देखा तो वह दृश्य काफ़ी लुभावना था और अचानक मछली पर कूद पड़ा और यह भूल गया कि वह उड़ना नहीं जानता था और खुशी से चिल्लाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर? युवा समुद्री पक्षी ने कैसे उड़ना सीखा और पानी के प्रति उसके भय को दूर किया? आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट द सीगल वॉज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ही stopped his two big legs to stand on the green sea. He screamed fearfully and attempted to raise again, flapping his wings and overcome his fear to the water while floating on it. अपनी पहली उड़ान के बाद सीगल अपने अजीब अनुभव से थक गया था और फिर अपने दो पैर हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए गिरा दिया। वह डर से चिल्लाया और फिर उसे अपने पंख फड़फड़ाए फड़फड़ाने का प्रयास किया, अपने डर पर तैरते हुए काबू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम? समुद्री पक्षी ने अपना उत्साह कैसे दिखाया जब उसने अपनी माँ को खाना लाते हुए देखा? ऑन सीइंग मदर पिकिंग अप पीसेस ऑफ द फिश एंड फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet.
माँ को मछली का एक टुकड़ा उठाते और उड़ते हुए देखने पर युवा सीगल खुशी से चिल्लाया। चट्टान को अपने पैरों से दबाते हुए बेसब्री से झुक गया। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, व्हाट मेथड्स वर यूज्ड बाय द सीगल्स फैमिली टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। यानी समुद्री पक्षी के परिवार ने उसके उड़ने के डर को दूर करने के लिए क्या तरीका अपनाया। तो इसका आंसर है, द यंग सीगल वाज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, हिज सिबलिंग्स हैड स्टार्टेड फ्लाइंग, व्हाट ही कुड नॉट गैदर करेज टू डू सो, हिज पेरेंट स्कॉल्डेड हिम एंड थ्रीटेंड टू लेट हिम स्ट्राइव ऑन द एज अनलेस ही फ्लू अवे, वेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम ही फेल्ट द पेंग्स ऑफ हंगर, नेक्स्ट डे वेन ही शो हिज मदर विद अ पीस ऑफ फेस इन हर बीक, ही बेग्ड हर फॉर फूड, शी फ्लू अक्रॉस टू हिम, वट हॉटेड वेन द पीस ऑफ फेस इन हर बीक वॉज फास्ट विद इन रीच ऑफ द यंग सीगल, ही डाइव्ड एट द फेस बट नाउ हर मदर शूब्ड अपवर्ड ग्रेजुअली, हिज फियर ऑफ फ्लाइंग वॉज ओवर एंड ही एन्जॉयड इट नाउ। यानी युवा सीगल उड़ान भरने से डरता था, उसके भाई बहन उड़ने लगे थे लेकिन वह ऐसा करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका। उसके माता पिता ने उसे बुरी तरह से डांटा और धमकी दी कि जब तक वह उड़ ना जाए तब तक वह उसे ऐसे ही भूखे मरने देंगे। जब उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया तो उसे भूख की पीड़ा महसूस हुई। अगले दिन जब उसने अपनी माँ को चोंच में मछली के टुकड़े के साथ देखा तो उसे भोजन की भीख मांगी और वह उसके पास चली गई, लेकिन रुक गई जब किसी चोंच में मछली का टुकड़ा युवा सीगल पक्षी की पहुँच से दूर था। युवा सीगल ने मछली पर छलांग लगाई लेकिन अब उसकी माँ ने ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। धीरे धीरे उसके उड़ने का भय खत्म हो गया और उसने अब उसका आनंद लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी। किस प्रकार से युवा पक्षी ने समुद्र में तैरना सीखा। देखिए इसका आंसर है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम द यंग सीगल केम नियर द सी, ही वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, हिज सिबलिंग्स हैड लैंडेड ऑन द सी एंड दे वर कॉलिंग इन अ थ्रिल वॉइस एंड बैकनोइंग टू हिम, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग सैंक इन टू वाटर, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, ही वॉज एग्जॉस्टेड ड्यू टू फ्लाइंग फॉर सो लॉन्ग, हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज वैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फादर, ही वॉज फ्लोटिंग आउट फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड ऑफरिंग हिज फूड फ्रॉम देयर वीक, दिस इज हाउ ही लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी। कुछ देर तक उड़ने के बाद युवा सीगल समुद्र के पास आ गया। धीरे धीरे उसने ऊपर से उड़ रहा था, उसने देखा कि नीचे एक विशाल हरे कलर का समुद्र है, उसमें छोटी सी लकीरें हैं। उसके भाई बहन समुद्र में उतर गए और वे एक कर्कश आवाज़ में उसे पुकार रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर गिरा दिए, उसके पैर पानी में डूब गए। वह डर से चिल्लाया और फिर उसने अपने पंख फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वह थका हुआ था और भूख से कमज़ोर था, इसलिए इतनी देर तक उड़ान भरने के कारण वह थक गया। उसका पैर समुद्र में डूब गया और फिर उसका पेट समुद्र के छू गया, लेकिन वह नहीं डूबा।
वह उस पर पैर तैर रहा था और अपने चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और अपनी चोंच से भोजन दे रहा था। इस तरह उसने समुद्र पर तैरना सीखा। तो ये हमारे कुछ इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर थे, लॉन्ग और शॉर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।